स्टूडेंट, दिस इज पंकज कुमार, वेलकम टू बोलशाई चैनल। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट सम्स पर्टेनिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मैथड, प्रोपोर्शनेट मैथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मैथड। बट इस वीडियो में स्टूडेंट, हम लोग एट फर्स्ट परसेंटेज मैथड को या प्रोपोर्शनेट मैथड को सॉल्व करना सीखेंगे। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स 10+2 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। मैंने एक सम लिया स्टूडेंट, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें प्राइस दी गई है वस्तु की, डिमांड दी गई है, प्राइस 10 है और 2 है, डिमांड 4 और 5 है। सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले आप डेल पी और डेल क्यू को निकालिए। डेल मीन्स डिफरेंस, स्टूडेंट डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि आप प्राइस को P1 और P2 माने हैं और डिमांड को Q1 और Q2 सपोज किए हैं, तो डेल पी का मतलब हो गया कि P2 से P1 को माइनस करना है, मीन्स 2 - 10 - 8, और Q2 से Q1 को माइनस करना है जिससे डेल क्यू निकलेगा, तो 5 - 4 - 1। अगर आपको परसेंटेज मेथड दिया है तो आप फॉर्मूला लिखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी हिंदी में भी आप बोल सकते हो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इंग्लिश में लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करते समय इंग्लिश लिख सकते हो। 5 - 4, देखिए ध्यान से, परसेंटेज मेथड अगर फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ अगर आप नहीं निकाले हो तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस लाइन से भी सॉल्व कर सकते हो। हमेशा बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं और परसेंटेज निकालते समय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, 5 - 4 लिख दिया, किससे डिमांड इंक्रीज हुआ था, तो 4 से, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 × 100। सिमिलरली 2 - 10 किससे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो 10 से, डिवाइडेड बाय 10। जो इनिशियल होता है वही नीचे डिवाइड होता है, याद रखिएगा। 100 कैंसिल, 5 - 4 - 1/4 आएगा और 2 - 10 - 8/10 आएगा, 10 गोज अप, बोल करके मैंने यहाँ पर 10+10 - 8 लिखा है। अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट, तो यही प्रोपोर्शनेट मेथड में भी होता है कि डेल क्यू बाई क्यू वन बाई डेल पी बाई पी वन। डेल क्यू का मतलब हो गया E1 और Q1 का मतलब हो गया आपके पास 4। डेल पी का मतलब हो गया इस सवाल में -8 और P1 का मतलब हो गया 10। तो घुमा फिरा करके प्रोपोर्शनेट मेथड यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा। सॉल्व करने पर आपके पास आया 5 - 16। बट आंसर लिखते समय नेगेटिव साइन को शो नहीं किया जाता है, आप सिर्फ 16 से 5 को डिवाइड करके लिख दोगे। स्टूडेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। वो ये हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 अगर होगा, अगर जो भी वैल्यू आपका मांग की लोच में आ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो लोचदार बोलेंगे, परफेक्टली लोचदार, या हिंदी में लोचदार बोलते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट इलास्टिक बोलते हैं। अगर वो इक्वल टू 1 है तो यूनिट इलास्टिक लिखिएगा, यानी इकाई लोचदार, और अगर लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक बोलिएगा, यानी बेलोचदार, क्योंकि ये तो 1 से कम है इसलिए ये इन इलास्टिक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, आप विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी कभी दे देता है और आपको बोलेगा कि रेस्ट सम्स, यानी रेस्ट जो वैल्यूज़ है उसको आप निकालिए, चाहे वो एक्स के रूप में हो, या मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको परसेंटेज मेथड का और भी जो सम है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बुक के इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सम, जैसे मैंने यहाँ एक सम लिया, ये हिंदी में लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ कि चेंज है प्राइस को चेंज 15%, देखिए 15% इसमें गेन हो रहा है, तो 15% गिर जाने पर प्राइस जो है 15% डाउन हो रहा है, जिससे डिमांड 1000 से इंक्रीज होकर 1200 हो रहा है। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा कि कीमत में प्रतिशत पर हिंदी में दी गई है, मैं आपको इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 15% है, क्योंकि गिर रहा है इसलिए माइनस है, बढ़ता तो प्लस होता। मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे होगा, तो देखिए डिमांड है 1200 और 1000, तो 1200 - 1000 / 1000, करेक्ट। फिर से देखिए 1200 - 1000 / 1000 किससे बढ़ा, 1000 से, तो डिवाइडेड बाय 1000 × 100। नेक्स्ट आप जब कैंसिल करोगे 1200 - 1000 दैट इज 200 × 100/1000, कैंसिल करोगे तो 20% आएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड जो है 20% निकाल लिए और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो -15% है। आप क्या लिखोगे, ED = परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
दोनों को डिवाइड करोगे यू कैन फाइंड आउट। तो ये नेगेटिव है क्योंकि 1.33 है, एक से अधिक है। नेगेटिव हम बोले कि आंसर लिखते समय नेगेटिव साइंस का यूज़ नहीं करना। 1.33 है, एक से ज़्यादा है, इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक है। तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज वाले सम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस टू एग्जाम्पल्स यू हैव कम टू नो कि हाउ टू सॉल्व दिस सम्स यूजिंग परसेंटेज मैथड और प्रोपोर्शनेट मैथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी सम्स हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस।